सिवान में सरयू ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। यहाँ सरयू का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। नदी के जल स्तर में पिछले 2-3 दिनों से काफी बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा कई जगहों पर कटाव होना शुरू हो गया है। कटाव इतना तेज है कि आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वाटर लेवल बढ़ने से सरयू अब बेलगाम होकर कई गांवों में भी प्रवेश कर गई है, लिहाजा यहां बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी का जल स्तर बढ़ने से जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दियारा इलाके के हजारों एकड़ की फसलें प्रभावित हो गई हैं। इससे किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नरहन गांव में सरयू नदी यज्ञ घाट की ओर से पानी खाकी बाबा के मठिया की तरफ आना शुरू हो चुका है। लाल बाबा के मंदिर के दक्षिण महज 2-3 बीघा भूमि की दूरी तक नदी के उफान वाला पानी आ चुका है, जिससे दियारा इलाके के भदही फसल नुकसान होने के कगार पर हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन पानी बढ़ने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। राजपुर, लक्ष्मीपुर, मिर्जापुर, सलेमपुर, नरहन, हरपुर गांव के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उधर सुदूर दियारा गांव में रहने वाले गरीब मजदूरों को दियारा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग अनाज, पशुओं और बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। लाइव सिटीज के लिए जय भास्कर की रिपोर्ट।